खबर मिल गई है वो आपको बताते हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन बहुत बढ़त की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी 35 सीट पर आगे, बड़ी खबर आपको बता दे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है इंडिया गठबंधन की। आरएलजी 2 सीट पर आगे, तो आप समझिए 543 सीटें और इसमें 294 सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 223 सीटें, अदर्स के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हर राज्य का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आ रहा है। 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन फिलहाल आगे चल रहा है। बीजेपी 35 सीट पर आगे, 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, आरएलजी 2 सीटों पर आगे। ये देखिए नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, 294 और 223 और 26 सीटें आदर्श के खाते में। हर राज्य का हाल आप देखिए, कई ऐसे राज्य जो कि वहां बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है। जो मुद्दे उठाए गए विपक्षी दलों की तरफ से, क्या वो मुद्दे वाकई में सही थे, जनता के बीच थे और उसी के आधार पर ये वोट दिया गया। फिलहाल रुझानों में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, कई ऐसे मुद्दों का जिक्र किया गया, नौकरी का जिक्र किया गया, परीक्षा पेपर का जिक्र किया गया, वो तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे। अलग अलग राज्यों के और अलग मुद्दे थे, जनता के बीच गए और उसी के आधार पर ऐसी उम्मीदें लग रही हैं कि जनता ने वोट कास्ट किया। लेकिन बीजेपी ने जो अपने मौजूदा सांसदों पर भरोसा किया, वो फिलहाल तस्वीरों के जरिए अभी ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस रास नजर नहीं आई है जनता को, उसी के आधार पर फिलहाल ये रुझान आप देख रहे हैं। तो ये आप इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रुझान किस तरह के आ रहे हैं, कौन कहां से अभी आगे चल रहा है। फैजाबाद सीट से लल्लू सिंह अभी पीछे चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। तो अयोध्या से बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर तो नहीं।